आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। लुईस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली हम बॉन्ड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारा सेकंड बॉन्ड है विच इज द कोवलेंट बॉन्ड। अब लुईस कॉन्सेप्ट जो है अबाउट द कोवलेंट बॉन्ड कहता है कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द एटम्स म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी दो एटम आपस में म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, आयनिक बॉन्ड में क्या था, ट्रांसफर होता था एक एटम से दूसरे एटम में। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होगा, व्हेन एटम्स म्यूचुअली शेयर इलेक्ट्रॉन्स देन द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड वी कॉल इज कोवलेंट बॉन्ड। अब शेयरिंग में होता क्या है कि एक एटम जब शेयर करता है तो दोनों जो उनसे एटम्स होते हैं, ईच एटम का मतलब है कि दो एटम्स अगर शेयर कर रहे हैं ए और बी, तो ईच एटम क्या करेगा, विल कंप्लीट इट्स ऑक्टेट रूल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोजन 1 होती है और दूसरी हाइड्रोजन भी 1 है और आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको फिलअप करने के लिए या नियरेस्ट गैस कॉन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैस अटेन करने के लिए जो कि हीलियम है, इसको बाहर वाले शेल में दो चाहिए होंगे, तो ये हाइड्रोजन जो अपना एक है ये शेयर कर लेगी साथ वाले हाइड्रोजन के साथ, और अब क्या होगा, ये शेयर्ड पेयर इसका हिस्सा भी होगा और इसका हिस्सा भी होगा, और दोनों के दरमियान क्या होगा, ईच एटम विल कंप्लीट दी ऑक्टेट रूल या फिर अचीव दी कॉन्फिगरेशन ऑफ नियरेस्ट। हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्मेशन में आता है। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो दो तरह का होता है, कोवलेंट बॉन्ड कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नंबर टू इज द पोलर कोवलेंट। अब यहाँ पर बिफोर वी गो इन टू द डिटेल्स ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड, वी मस्ट नो के व्हाट डू वी मीन बाय पोलैरिटी, कि किसी भी कोवलेंट किसी भी बॉन्ड के ऊपर अगर पोल्स हैं या पोलैरिटी है तो उसका मतलब क्या होता है। एक बॉन्ड है फॉर एग्जांपल ए और बी के दरमियान, ये इसके दो एंड हैं, ए एक एंड है दूसरा एंड बी है और इनके दरमियान पोल्स हैं। अगर किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, अगर किसी भी वजह से एक एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो नाउ वी विल से दैट पोल्स आर फॉर्म्ड एंड द बॉन्ड इज पोलर। और जब तक वो अपने ऊपर कोई चार्ज लिए हुए नहीं हैं हम उनको कहेंगे नॉन पोलर। अब चार्ज आने की कई वजूहात हो सकती हैं, कुछ वजूहात तो हम लिक्विड्स का जब टॉपिक हमने फोर्थ चैप्टर में स्टार्ट किया था तो वैन डर वाल फोर्सेस में, जब हमने लंदन फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इस तरह की चीज़ें पढ़ी थी तो उसमें हमने देखा था कि पोलैरिटी जो है वो इंड्यूस हो जाती है मॉलिक्यूल्स के ऊपर। यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर बॉन्ड की वजह से पोलैरिटी आएगी, द पोलैरिटी विल बी ड्यू टू द बॉन्ड इटसेल्फ। तो ये बात इम्पोर्टेंट है, जब बॉन्ड की वजह से आपके उसके ऊपर पूरे एटम के ऊपर पोल्स बनना शुरू हो जाएं तो वो बॉन्ड क्या कहलाएगा, पोलर बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और अगर पोल्स नहीं बन रहे तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो पहली जो टाइप है दैट इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब इनके अंदर होता क्या है, ये वो वाले कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं जिनके अंदर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली शेयर्ड जब तक जो आपने इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया है वो दोनों एटम्स के दरमियान इक्वली शेयर है,
तो वो नॉन पोलर कंपाउंड है। अगर वो इक्वली शेयर नहीं है, वो किसी की तरफ झुकाव है उसका, तो उस इलेक्ट्रॉन पेयर के झुकाव की वजह से उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और ऑपोजिट पार्टी के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब इक्वली शेयर होंगे बिटवीन द टू एटम्स, तो जो बॉन्ड होगा दैट विल बी द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं एच टू की बात करता हूँ या सी एल टू की हम बात करते हैं, तो एक क्लोरीन है और दूसरी भी क्लोरीन है, उन्होंने एक ये बॉन्ड जो है वो शेयर किया है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड बना लिया। अब ये जो क्लोरीन है और ये जो क्लोरीन है, ये इन दोनों के दरमियान जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है दैट इज इक्वली शेयर्ड होने की वजह से ना ये इसकी तरफ झुकेगा ना ही ये इसकी तरफ झुकेगा, तो इसकी वजह से इनके ऊपर कोई पोल नहीं बनेगा एंड दिस इज द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसकी वजह क्या है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, मतलब जो शेयर्ड पेयर का चार्ज है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन हमने पेयर को शेयर किया, इनका जो चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है दोनों एटम्स के ऊपर, इस वजह से किसी एक के ऊपर चार्ज ज़्यादा नहीं आया। तो यही आपकी बुक में एग्जांपल देता है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन वन एंड ए हाइड्रोजन वन, तो ये जब आपस में बॉन्ड बना लेते हैं इस तरह से तो इनके ऊपर कोई वो नहीं होता। इसी तरह अगर मैं सी एल टू की बात करूं तो क्लोरीन के पास होते हैं, एक क्लोरीन के पास होते हैं सेवन दिस और दूसरी क्लोरीन के पास होते हैं, उसके पास भी होते हैं ये सेवन, तो ये दोनों जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो ये कुछ इस तरह से इनके जिनसे हैं वो, ये आपके पास शेयर पेयर मौजूद होगा और ये आपके पास सी सी एल हो जाएगा, सी एल सी एल, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अब नॉन पोलर ही के अंदर ये तो हो गए, अगर आप देखें एच टू या सी एल टू, तो दीज आर सिमिलर एटम, सॉरी डिसिमिलर नहीं, दीज आर द सिमिलर एटम्स। अब सिमिलर एटम्स हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इक्वली शेयर होगा उनके दरमियान, तो कभी भी जो है वो पोलर कंपाउंड पोलर कोवलेंट बॉन्ड इनके दरमियान नहीं बनेगा। लेकिन नॉन पोलर ही के अंदर एक दो एग्जांपल्स सिमिलर एटम्स की भी मौजूद हैं। इसको अगर आप देखें, अगर मैं बात करता हूँ कार्बन एंड क्लोरीन के एटम की या कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट में होते हैं जी फोर और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में सेवन, तो ये जो बॉन्ड बनेगा, अब जाहिर सी बात है कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, तो क्लोरीन की तरफ जो ये बॉन्ड है ये झुका होगा, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये जो शेयर्ड पेयर है क्लोरीन इसको ज़्यादा अपनी तरफ खींच लेगा और ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन ये जो बॉन्ड है ये तो पोलर है, लेकिन ये बॉन्ड वाला कंपाउंड जो है वो समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि वो नॉन पोलर हो, जैसे कि CCl4। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो ये कार्बन, कार्बन के चार वैलेंसीज, इसके चारों तरफ जो है क्लोरीन आपके पास अटैच होगी, क्लोरीन विद सेवन इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड ये बनेगा, एक ये और एक ये, और जो कंपाउंड होगा वो कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। अब ये अगर एक इंडिविजुअल बॉन्ड को मैं स्टडी करूं जो यहाँ पे किया था, तो वो तो पोलर है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर इसका बन गया है ये इस तरह का है कि इसके पोल्स को कैंसिल आउट कर देते हैं और इसके पोल्स को कैंसिल आउट कर देते हैं, और ओवरऑल जो CCl4 है वो आपके पास नॉन पोलर कंपाउंड बन जाता है। तो ये जो टेट्राक्लोरोमीथेन या CCl4 जो है ये क्या है, नॉन पोलर है, लेकिन इसकी अगर केमिस्ट्री देखें तो इसमें तमाम कंपाउंड जो होते हैं दे आर पोलर इन नेचर। तो ये चीज़ जो होती है ये भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रखनी है कि समटाइम्स डिफरेंट जो उनसे
पोलर कंपाउंड होने के बावजूद जो है वो नॉन पोलर बिहेवियर जो है वो शो कर देते। तो ये तो था हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी टाइप्स की तरफ जो कि है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट का तब बनेगा व्हेन टू डिफरेंट एटम्स ज्वाइन करेंगे आपस में। और क्या होगा व्हेन टू डिफरेंट एटम्स ज्वाइन टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। और उस कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉन पोलर के अंदर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता था, पोलर के अंदर क्या होगा द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट या नॉट इक्वली शेयर्ड। कोई एक एटम उसको अपनी तरफ खींचेगा ज्यादा, उस शेयर्ड पेयर को। जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा और उसके ऊपर पोल आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की बात करता हूँ, हाइड्रोजन इज वन, फ्लोरीन इज 2/7, आउटर मोस्ट में 7। तो ये हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 7। ये क्या करेगा जब ये बॉन्ड बनेगा तो हाइड्रोजन F के साथ बनेगी, लेकिन जो शेयर्ड पेयर है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड होगा, फ्लोरीन ने उसको अपनी तरफ खींचा होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन का पेयर जिसके इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज है, ये जब फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट होगा तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और हम कहेंगे ये क्या है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये थी केमिस्ट्री ऑफ द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसकी हम डिफरेंट जो है एग्जांपल्स को स्टडी करते हैं। पहली स्टडी हमने की हाइड्रोजन फ्लोराइड की, नेक्स्ट वन इज वाटर। वाटर में क्या होता है H2O, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6, चार ये, एक ये और एक इधर हाइड्रोजन के साथ। तो ये क्या होगा H, ये दो बॉन्ड बनाएंगे O और H। अब ये जो अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो कुछ इस तरह का हो रहा है वाटर का स्ट्रक्चर। तो ये ऑक्सीजन के पास चूंकि अपने भी दो पेयर मौजूद हैं, ये इस वाले शेयर्ड पेयर को, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इसके वाले शेयर्ड पेयर को भी अपने पास खींचेगी, इसके वाले शेयर्ड पेयर को भी अपने पास खींच के रखेगी और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा और इसके ऊपर फौरन पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे और ये जो बॉन्ड होगा दैट वुड बी द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड एग्जाम्पल है जी मिथाइल क्लोराइड। ये सारी वही एग्जाम्पल्स हैं जो आपके बुक में भी डिस्कस हुई हैं और ये एग्जाम्पल्स आपके लिए इसलिए हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और पेपर में पूछने पर आप इनको प्रोड्यूस भी कर सकें। CH3Cl, तो कार्बन के पास 4 हैं, CH3, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्लोरीन। ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बन जाएगा CH3Cl। अब ये क्लोरीन चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ खींच लेगा और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मिथाइल क्लोराइड क्या बन जाएगा, पोलर कंपाउंड बन जाएगा और इसके अंदर जो बॉन्ड मौजूद है दैट इज द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मेथनॉल। मेथनॉल अल्कोहल फैमिली में सबसे बेसिक वाला है, जिस CH3OH। अब इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दिस इज C, H3 इधर आ गए 3 हाइड्रोजन, एक ही लगाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के पास 6 होते, तो
तो एक ये, चार ये, और एक जो ऑक्सीजन है अपना वो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बनाएगी दिस एंड दिस और बाकी सारे ये बॉन्ड। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा CH3O एंड H। अब ऑक्सीजन इनमें से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इसके पेयर को भी अपनी तरफ खींचेगा, इसके पेयर को भी अपनी तरफ खींचेगा और पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही ये पार्शियल नेगेटिव होगा, इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और मेथनॉल ओवरऑल पोलर कंपाउंड कहलाएगा। तो इसी तरह और भी कई सारे एटम हैं जो कि पोलर कंपाउंड को भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं। अब आगे वो कहता है जी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये क्या होते हैं। जब एक शेयर ये जो पेयर है ये जब एक है तो सिंगल बॉन्ड है, जब मैं दो पेयर आपस में शेयर करूँगा तो डबल बॉन्ड, और जब मैं तीन पेयर आपस में शेयर करूँगा तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूँ, ऑक्सीजन और दूसरी भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होते हैं छः, इस ऑक्सीजन के पास भी छः हैं। जब ये आपस में दो शेयर कर लेंगी तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना देंगी और हम इसको O2 की शक्ल में लिख लेंगे, तो दिस इज द डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5, 1, 2 एंड 3 और दो ये। इसी तरह जो दूसरी नाइट्रोजन है उसके पास भी 5 है, तो ये तीन जो होते हैं आपस में शेयर हो गए, तो नाइट्रोजन ने दूसरी नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। तो व्हेन नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज 1 द बॉन्ड विल बी सिंगल बॉन्ड, द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर आर 2 द बॉन्ड विल बी डबल कोवलेंट बॉन्ड, एंड देन द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर आर 3 देन द बॉन्ड विल बी द ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब समटाइम्स क्या होता है, जैसे हमने पहले बात की थी CCl4 की, इसी तरह कार्बन की डबल बॉन्ड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कार्बन के पास चार हैं, तो ये चार इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, और इनके पास अपने चार चार अलग था, ये छः के पूरे और ये दो शेयर हो के 8। इसी तरह कार्बन ने चार बॉन्ड बनाए थी, तो ये स्ट्रक्चर बनाते हैं हम यू। अब ये सी और ओ जो है ये आपस में तो पोलर हैं, लेकिन इनकी ज्योमेट्री इस तरह की है कि यहाँ का पोलर यहाँ के पोलर को कैंसिल आउट कर देगा और ओवरऑल कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगी, नॉन पोलर। जैसे हमने CCl के अंदर पढ़ा था कि कार्बन और क्लोरीन के चारों तरफ जो से थे ये कार्बन है, तो ये आपस में कैंसिल आउट कर रहे थे, ये इसी तरह की एग्जांपल है लेकिन विद द प्रेजेंस ऑफ द डबल बॉन्ड। यहाँ पे इलस्ट्रेट जो चीज़ कर रहा है वो है डबल बॉन्ड, कि डबल बॉन्ड जो मौजूद होगा वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं अगर उनकी ज्योमेट्री इस तरह की हो। ज्योमेट्री ज़रूरी है कि वो एक दूसरे के किस पोजिशन में मौजूद है, ये एक दूसरे के अपोजिट पोजिशन में थे तो चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब इसी तरह जो है कार्बन जो है कार्बन की प्रॉपर्टी वो बता रहा है कि कार्बन जो है कार्बन कैन मेक सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब कार्बन के सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड की वो एग्जांपल आपको हमें देगा तीन जगहों पे, इथेन इथीन और इथाइन में, जो कि अभी हम देख लेते हैं। तो कार्बन के जो ये प्रॉपर्टी है ये हमें हेल्प आउट करती है कार्बन की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को स्टडी करने में, या बल्कि इसको आप यूँ समझें कि कार्बन जो लॉन्ग चेन बनाता है उस प्रॉपर्टी को समझने में हमें ये चीज़ हेल्प करती है कि कार्बन के पास चार इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, तो ये अगले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और फिर अगले कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा और ये चेन चलती जाएगी इस डायरेक्शन में। तो कार्बन की जो ये प्रॉपर्टी है लॉन्ग चेन फॉर्मेशन, या जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कहते हैं, वो हमें इस प्रॉपर्टी से समझ आती है कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बना लेता है। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल है इथेन की, इथेन होती है C2H6।
इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, कार्बन, इस कार्बन के पास चार हैं, ये कार्बन इस कार्बन के पास भी चार है, ये सिंगल बॉन्ड आपस में, ये सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ, और आपके पास C2H6 इथेन जो है वो बन गई है। इसी तरह कार्बन का अगर आप ग्रुप देखें तो कार्बन के नीचे होता है सिलिकॉन, कार्बन की भी वैलेंसी चार होती है, सिलिकॉन की वैलेंसी भी चार होती है, तो इथेन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर अगर मैं इथेन के कार्बन को रिप्लेस कर दूँ सिलिकॉन के साथ तो मेरे पास जो चीज़ बनेगी दैट वुड बी द सिलेन, ये भी आपकी बुक में मेंशन है। और डाइसिलेन इसको कहेंगे क्योंकि दो सिलिकॉन के एटम्स मौजूद हैं, इथेन से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है ये डाइसिलेन, तो सिलिकॉन चूंकि कार्बन ही की फैमिली का मेंबर है। ये तो हो गया इथेन सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल, अब हम चलते हैं डबल बॉन्ड की एग्जांपल इथेन की तरफ। इथेन होती है जी C2H2, इसमें क्या होगा कार्बन के पास चार हैं, इस कार्बन के पास भी चार है, ये कार्बन दो डबल बॉन्ड आपस में बनाएगा और बाकी की जो उनकी वैलेंसीज हैं वो हाइड्रोजन से पूरी करेगा और C2H2 का स्ट्रक्चर देगा। यहाँ पे कार्बन कौन सा बॉन्ड बना रहा है, कार्बन इज फॉर्मिंग द डबल बॉन्ड। लास्ट वन इज दी इथाइन, इसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है और इसका फॉर्मूला होता है ये C2H4 था एंड दिस इज C2H2, कार्बन विथ फोर वैलेंसी, कार्बन विथ फोर वैलेंसी, ये तीन ट्रिपल बॉन्ड आपस में और ये चौथी वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी करेगा और इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और इथेन में हमने देखा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन विच कैन मेक सिंगल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विथ कार्बन इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, और ये इस कंडीशन के ऊपर की बिना पर जो है ये बहुत लंबी चेन जमती है वो बनाता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारा टॉपिक था आज का, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है और उसकी टाइप्स पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और समटाइम्स ज्योमेट्री कितना इफेक्ट करती है किसी भी कंपाउंड के पोलर या नॉन पोलर होने में। तो दिस वाज अवर टुडेज टॉपिक।